हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम बहुत ही मज़ेदार यमी सा डेजर्ट बना रहे हैं और ये स्ट्रॉबेरी से बनेगा। और इसके लिए हमें चॉकलेट चिप कुकीज़, प्लेन केक, स्ट्रॉबेरीज चाहिए। और कम अज्जा से बहुत ही मज़ेदार आपका ये यमी सा डेजर्ट तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि मैंने सीज़न में फ्रीज करके रख ली थी, थोड़ी सी ले लिए हैं। इनको हमने पहले ब्लेंड करना है और साथ में इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी जाएगी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके स्मूथ सा एक पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा और इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। और इसको एक तरफ ब्लेंड करके हमने साइड पे रख लेना है। बहुत कम चीज़ों से आपका बहुत यमी सा ये डेजर्ट तैयार हो जाएगा। अफ्तार के वक्त इसको बनाएं, चाहे आप डिनर के बाद भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा चिल करके बिल्कुल जब इसको खाया जाता है बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, 1 कप में रख लिया है। और ये प्लेन वनीला टी केक है और इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। ये मेरे पास भी रखा हुआ था, मैंने सोचा कोई अच्छे से इसके साथ कोई यमी सा डेजर्ट बनाया जाए, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लेना है। और ये मैंने घर में ही बनाया था। इसके बाद ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, इनको छोटा बारी बारी हमने हाथों से अच्छे तरीके से मोटा मोटा सा मैंने इसको कर लिया है। और अब हमने छोटे ग्लासेस लेने हैं, चाहे आपके पास ग्लासेस हों, छोटे स्मॉल कप्स हों, उनमें ये बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी सर्विंग नहीं होती, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, चाहे एक बड़े सर्विंग बोल में भी बना सकते हैं। और ऊपर से अब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम मैंने रख ली है, वो पाइपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर डालनी है। और अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज का जो हमने ब्लेंड किया था, ये प्यूरी सी हमारी तैयार हो गई, इसके ऊपर डालनी है। फिर इसी तरीके से दोबारा ये टॉपिंग को हम रिपीट करेंगे और इसके ऊपर लास्ट में हमने चॉकलेट चिप कुकीज़ को जो चूरा किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपको चॉकलेट चिप कुकीज़ पसंद नहीं है तो कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं, या कोई और अगर आपको बिस्किट पसंद है वो भी शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये यमी से स्ट्रॉबेरी क्रीम कप्स तैयार हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो यकीनन आप इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लग रही हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कैसी लग रही हैं और हमारी रेसिपीज़ को शेयर करना ना भूलिएगा। हैप्पी स्माइल कुकिंग को ज़रूर याद रखें और ये देख सकते हैं कितनी यमी और टेम्प्टिंग सी आपके स्ट्रॉबेरी क्रीम के ये तैयार हो जाएगा।